भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सारा अशरफ ने शेरघाटी एसडीएम का पदभार संभाला। इनके आगमन पर निवर्तमान एसडीओ अनुग्रह नारायण सिंह ने जैसे ही उनको उनके चैम्बर में ले जाने को आमंत्रित किया, एसडीएम सारा अशरफ ने अपनी कुर्सी पर बैठने से पूर्व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के कक्ष में अवलोकन की इच्छा जताई, फिर बारी बारी से सभी विभाग के कक्षों में घूम कर जायजा लिया। तत्पश्चात एसडीएम अपने कक्ष में बैठी। इसके उपरांत निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी अनुग्रह नारायण सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता रवि रंजन, अवर निर्वाची पदाधिकारी रंजय कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सरोज कुमार आदि लोगों ने बारी बारी से बुके देकर नव पदस्थापित एसडीएम सारा अशरफ का स्वागत किया। मालूम हो कि विगत शनिवार को सूबे के सामान्य प्रशासनिक के सचिव मोहम्मद सुहैल की ओर से जारी अधिसूचना में भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2021 बैच की अधिकारी सारा अशरफ को शेरघाटी का एसडीएम बनाया गया। गौरतलब है कि यूपीएससी एग्जाम 2021 में सारा अशरफ ने 316वीं रैंक हासिल किया था। ये उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिला के जंगीपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायिक परिवार से संबंध रखती हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल व डीपीएस वाराणसी में हुई। मुंबई के मीठाबाई कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद देश की सबसे कठिन सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होकर तीसरे प्रयास में कामयाबी का परचम लहराया था। इनके पूर्व आईएएस संदीप पौंडरिक, डॉक्टर आसीमा जैन, कमल तनूज भी शेरघाटी के एसडीएम के पद पर अपना योगदान दे चुके हैं। बहरहाल सारा अशरफ के पदस्थापना को लेकर आम जनों में खुशी है। उन्हें लगता है कि विकास कार्यों में गति आएगी और जो हो रही अनियमितता है उसकी जांच भी हो सकती है, साथ ही भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कामों पर भी अंकुश लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इमरान अली, बिहार आजकल। आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये गया जिले का शेरघाटी अनुमंडल मुख्यालय है और ये आज यहाँ पर सारा अशरफ जो कि आईएएस अधिकारी हैं वो यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी के पद पे यहाँ पे पदस्थापित हुई हैं और ये शेरघाटी अनुमंडल में चौथी आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले 1996 में संदीप पौंडरिक जी जो कि आईएएस अधिकारी थे, बाद में कई बड़े पद पर वो पहुँचे, लेकिन वो पहली बार यहाँ पर उनका पहला पदस्थापन था अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में, वो यहाँ पे पदस्थापित हुए। उसके बाद दूसरी अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ पर डॉक्टर आसीमा जैन आई थी, वो लगभग 2 साल 1 महीने रही 2010 में। उसके बाद यहाँ पर कमल तनूज वो भी आईएएस अधिकारी यहाँ पे आए थे, लेकिन वो अधिक दिनों तक नहीं रहे, वो लगभग 1 महीने के आसपास वो रहे और फिर वो उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो कुल मिला के ये जो सारा अशरफ हैं ये चौथी आईएएस अधिकारी हैं जो यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर आसीन हुई हैं। और अगर अनुग्रह नारायण सिंह के ट्रांसफ़र की बात करें तो वो यहाँ पे लोक जन शिकायत पदाधिकारी भी रह चुके थे अनुमंडल पदाधिकारी बनने से पूर्व, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये अनुमंडल पदाधिकारी बनकर आए थे और इस एरिया में उनका काफ़ी पुराना परिचय भी था, लेकिन अचानक से उनका सिर्फ 3 महीने में ट्रांसफ़र हो गया तो लोग इस बात के लिए हैरान हैं। उनसे पूर्व यहाँ पर अनिल कुमार रमन थे और उपेंद्र पंडित, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, बल्कि वो कार्यकाल से भी ज़्यादा 3 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक उपेंद्र पंडित यहाँ पे रहे और अनिल कुमार रमन ने भी लगभग अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन अनुग्रह नारायण सिंह मात्र 3 महीने में उनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। और जो ये सारा अशरफ आईएएस अधिकारी यहाँ पे पदस्थापित हुई हैं इसको लेकर शेरघाटी वासियों में एक खुशी भी है, इस बात को लेकर खुशी कि उन्हें लगता है कि शायद जो आईएएस अधिकारी हैं वो एक विज़न के साथ यहाँ आई हैं और जब वो आई हैं तो जाहिर है कई तरह की मुश्किलें इस शहर में हैं और उस पर अंकुश लगेगा। अगर बात करें तो शेरघाटी अनुमंडल जो है वो झारखंड की सीमा पे है, चतरा सीमा है, चतरा डिस्ट्रिक्ट का,
तो झारखंड राज्य और बिहार राज्य में ये बॉर्डर एरिया में शराब की जो तस्करी है वो बड़े पैमाने पे शराब की तस्करी होती है, तो एक बड़ा मामला यहाँ का वो भी है। अगर हम ट्रैफिक सिस्टम की बात करें तो जो सिरघाटी का नई बाज़ार बस स्टैंड है वहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम काफ़ी लचर रहा है, पहले से भी यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। और पूरे जीटी रोड को कहें तो आमस से लेकर सिरघाटी बल्कि डोभी तक ये कई जगह पर जो है वो डेंजर जोन कहा जाता है, कई बड़ी दुर्घटनाएं यहां पे हुई हैं, कई एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो जो ट्रैफिक नियम है वो दुरुस्त नहीं है, तो शायद इस पर भी इन्हें कड़े कदम उठाने होंगे और ये उठाएंगी भी ऐसा लगता है। उसके अलावा यहां पर जो ज़मीन विवाद है या कहें कि जो ज़मीन के माफिया हैं उनके आपसी झगड़े में भी पिछले दिनों यहाँ पे लोजपा नेता की मौत हो गई थी, उनका मर्डर हो गया था, तो उसको लेकर भी एक सनसनी है कि यहाँ पर ज़मीनी झगड़े, ज़मीन माफियाओं के झगड़े भी आपस में होते रहते हैं, तो एक बड़ा मामला है। और जो एक मामला और है सिरघाटी में वो है कि जो यहाँ का रिंग रोड का निर्माण हुआ है वो एक बड़े विकास के रूप में उसे देखा जाता है, सिरघाटी के रिंग रोड के निर्माण को, तो उस रिंग रोड के निर्माण में भी कई बार ये सवाल उठे नागरिकों की ओर से, सिरघाटी की जनता की ओर से, कि जो गुणवत्ता उस रिंग रोड में चाहिए वो गुणवत्ता नहीं है, इसको लेकर सवाल उठे भी लेकिन उसका सही उत्तर नहीं मिल पाया उस गुणवत्ता को लेकर, और कई बार लोगों को मायूसी शहरवासियों को झेलनी पड़ी। कुछ स्थानीय जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको भी लेकर सवाल उठते रहते हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर, कि विकास कार्य में तेज़ी तो आई है लेकिन गुणवत्ता में उनके कमी है, ऐसे भी सवाल उठते रहते हैं। तो कई तरह की मुश्किलें और कई तरह की चुनौतियां अनुमंडल पदाधिकारी सारा अशरफ के सामने होंगी और लोगों को इंतज़ार रहेगा कि इन तमाम मामलों पर ये किस तरह का कदम उठाती हैं।